दोस्तों आज आपके लिए लेके आया हूँ Amazon पे अवेलेबल सबसे बड़ा बैकपैक। जी हाँ, ये है 105 लीटर का बैकपैक। ये आता है माउंट ट्रैक की तरफ से। तो चलिए खोल के देखते हैं कैसा है ये। बाहर निकालते हैं इसको। तो ये है इसका बिल। इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी है 3000 रुपीज। का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की पैकिंग में आ जाता है ये। साइड में यहाँ दी गई है माउंट ट्रैक की टिप्स दी गई हैं। तो चलिए इनको भी हटा देते हैं। ओके, ये बैग को हम बाहर निकालते हैं। माउंट ट्रैक गियर अप फॉर एडवेंचर। तो कुछ इस तरह का बैग ही आपको मिलता है। इस बैग के अगर वेट की बात करें तो ये करीब करीब 2.5 किलो का है। बैग के फ्रंट की तरफ भी आपको सामान रखने के लिए एक जिप मिल जाती है। यहाँ आपको कुछ छोटा मोटा सामान लगाने के लिए जैसे ट्राइपॉड वगैरह लूप्स मिल जाते हैं। इस बैग के साथ आपको मिलती है 2 साल की वारंटी। ये बैग जो है दूसरे साइज में भी अवेलेबल है। हाँ, इससे कोई बड़ा साइज अवेलेबल नहीं हो पाएगा, इससे छोटे साइज में काफी बैग अवेलेबल है। बाकी दूसरे बैग के ऊपर की एंट्री आपको यहाँ से मिलती है कुछ इस तरह से। स्ट्रैप को खोलते हैं। बैग के नीचे की तरफ आपको रेन कवर रखने के लिए स्पेस मिल जाता है। ये चेस्ट हुक को खोलते हैं। बैग स्ट्रैप्स जो हैं काफ़ी कंफर्टेबल लग रही हैं। ये प्लास्टिक फ्रेम दिया गया है पीछे की तरफ, और साथ ही यहाँ एडजस्टेबल स्ट्रैप्स मिलती हैं। ये आपको इस तरह से आप इसको चाहे तो एडजस्ट भी कर सकते हैं इजीली। इस बैग की हाइट जो है आप 7 लेवल्स तक एडजस्ट कर सकते हैं। इन स्ट्रैप्स की हाइट को आपको इस तरह से एडजस्ट करना है कि ये स्ट्रैप्स आपके शोल्डर लाइन तक पहुँचें। बैग का जो मेन कंपार्टमेंट है उसका एक्सेस ऊपर और नीचे दोनों तरफ से मिल जाता है। इसके साथ आपको ये रेन कवर भी मिल जाता है। इसमें आपको इलास्टिक मिल जाता है। नीचे की तरफ से जो एक्सेस है उसमें आप अपने शूज़ वगैरह भी स्टोर कर सकते हैं। ये जो नीचे वाला सेक्शन है इसमें एक फैब्रिक की मदद से आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं ईजिली। इसमें जो डिटैचेबल डे पैक दिया गया है इसकी कैपेसिटी है 15 लीटर। ये फीचर मुझे काफ़ी पसंद आया। इसमें पैडिड शोल्डर स्ट्रैप्स मिलती हैं। पीछे की तरफ आपको ब्रेथेबल बैक मेस मिल जाता है जो कि एयर वेंटिलेशन के लिए अच्छा रहेगा। डे हाइक्स या सिटी टूर्स के लिए आप इसका ये डिटैचेबल बैकपैक यूज़ कर सकते हैं। इस बैग में भी आपको काफ़ी अच्छा कम्फर्ट मिल जाता है। जो लैपटॉप कंपार्टमेंट है वो डिटैचेबल बैग में ही दिया गया है। अगर हम इस बैग के मटेरियल की बात करें तो ये बना है वाटरप्रूफ और वाटर रिपेलेंट पॉलिएस्टर फैब्रिक से। नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज 100% वाटरप्रूफ। एक बात जो मुझे इस बैग में काफ़ी अच्छी लगी कि इसकी साइड पॉकेट्स काफ़ी बड़ी हैं साइज में, तो मेरा गिम्बल इसमें आसानी से आ जा रहा है, तो मुझे इसे बैग के अंदर स्टोर करना नहीं पड़ेगा। तो जिन चीज़ों को आप हैंडी रखना चाहते हैं उन्हें आप साइड पॉकेट्स में रख सकते हैं। अच्छी बात यह है कि साइड पॉकेट्स पे आपको 2 स्ट्रैप्स मिल जाती हैं जिससे आप सामान को टाइट या लूज कर सकते हैं। या बैग के ऊपर की तरफ भी आपको 2 स्ट्रैप्स मिल जाती हैं जहाँ आप स्लीपिंग बैग वगैरह लगा सकते हैं। इसके अंदर आपको मेटल फ्रेम भी मिलता है। ये देखिए 2 रोड यहाँ पर दी गई हैं, दूसरी रोड इस तरफ है ये, ताकि जो लोड आप कैरी करें उसको एक सपोर्ट मिले। तो ये मैंने इस बैग को इसकी फुल कैपेसिटी तक फिल कर दिया है। देखो काफ़ी बड़ा साइज हो गया है, ये पूरा फिल है। इसमें पिलो वगैरह मैंने डाल दिए हैं अभी। तो चलिए देखिए इसको एक बार, काफ़ी बड़ा साइज इसका हो गया है। ये पूरा 115 लीटर का बैग हो गया है। देखिए इस तरह से ये बैग जो अलग से निकल जाता है सेपरेटली, इसको भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है अभी। तो ये देखिए आप इसको देख लीजिए एक बार चारों तरफ से। ये जो साइड्स में आप 2 पॉकेट जो ये देख रहे हैं ये बिल्कुल सेपरेट हैं। इनकी जिप जो है यहाँ से है इस तरह से। ये देखिए इसके नीचे कवर के ठीक नीचे इसकी जिप्स हैं यहाँ से। इस तरह से आप इसको पूरा ओपन कर सकते हैं। ऊपर की तरफ इसमें मैट लगा दिया मैंने यहाँ पे। ये जो स्ट्रैप आप देख रहे हैं ये इधर से, इसको भी मैंने थोड़ा सा एडजस्ट किया है यहाँ पे। आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हाइट के अकॉर्डिंग। ये पैड्स जो है मैंने ट्राई करके देखिए कंफर्टेबल हैं काफी। अभी मैं आपको बताऊं इसमें मैंने करीब करीब 4 फुल साइज पिल्लो जो है ना मेन कंपार्टमेंट में डाले हुए हैं, और कुछ छोटे पिलोज भी यहाँ मैंने डाले हुए हैं। कुछ बेड शीट्स भी मुझे इसमें डालनी पड़ी। काफ़ी बड़ा साइज है इसका, कहने का मतलब है। यहाँ देखिए नीचे की साइड यहाँ पे ये जो पॉकेट है यहाँ रेन कवर डाल सकते हैं, इसके साथ आया हुआ है।
तो चलिए आपको एक बार इसका रेन कवर डाल के दिखा देते हैं। ये जो रेन कवर है ये देखिए, ये इसके साथ ही मिलता है बैग के अंदर आपको। तो ये देखिए इस पे हमने रेन कवर लगा दिया है। पीछे की साइड से ये ऐसे ओपन रहेगा, ऊपर ऊपर की तरफ से टॉप में से ये रेन कवर लगेगा। चलिए रेन कवर को देते हैं आटा। इसको पैक करने के बाद इसकी ये जो स्ट्रैप्स हैं इनको थोड़ा थोड़ा ऐसे खींच देना, इससे कस जाएगा पूरा इस तरह से। नीचे से स्ट्रैप्स हैं इनको भी थोड़ा थोड़ा कस देंगे। चलिए अब मैं फाइनली आपको ये बैग जो है उठा के दिखाने वाला हूँ। यहाँ दोनों तरफ साइड में आपको ये बॉटल रखने के लिए जो है स्पेस मिल जाता है, दूसरी तरफ भी। करते हैं इस बैग को भी ट्राई। इसकी ये जो स्ट्रैप आप देख रहे हो ये आपके यहाँ पे रेस्ट करेगी और इसको इस तरह से आप लगा के इसको टाइट कर सकते हैं आप। और ये जो चेस्ट वाली स्ट्रैप है ये वेट के लिए नहीं है, ये बस आपका जो है इन स्ट्रैप्स को ऐसे खिसकने नहीं देगी साइडवेज में, तो उसके लिए है। उसके बाद आप इसको यहाँ पे जो स्ट्रैप्स हैं देखिए ये इसको खींच के इसको अपनी कमर के साथ बिल्कुल अटैच कर देंगे इस तरह से। तो इसका जो वेट है ना वो आपके शोल्डर्स के बजाय आपकी बैक पर आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो मुझे जो है उठाने में इसका वेट काफ़ी ज़्यादा लग रहा था, तो अभी इसका वेट मुझे काफ़ी कम लग रहा है। अब ये समझ लीजिए कि ये जो है एक 10 किलो का डंबल जो है हाथ में उठाने से भी ज़्यादा कंफर्टेबल अभी मुझे ये लग रहा है। इसका वेट मुझे 2-4 किलो से ज़्यादा नहीं लग रहा होगा बस, और एक्चुअल में इसका वेट अभी काफ़ी ज़्यादा होगा। कंफर्टेबल काफ़ी है ये, मैं कह सकता हूँ कि इसको मैं इस तरह से टांग के आराम से चल फिर सकता हूँ, घूम सकता हूँ पूरे दिन, कोई दिक्कत नहीं है। देखो फिटनेस तो थोड़ी बहुत आपको चाहिएगी। देखिए इसको इस तरह से इजीली निकाल सकते हैं आप। तो ये ऊपर वाला कंपार्टमेंट तो आप यहाँ से खोल सकते हैं इजीली, ऊपर की तरफ एक छोटी पॉकेट भी यहाँ आपको मिल जाती है। साथ ही साथ आप इसको ऊपर और या नीचे की तरफ से भी खोल सकते हैं। यहाँ पर आपका जो है स्लीपिंग बैग वगैरह आप नीचे से ही डाल सकते हैं। तो एक मैट हमने यहाँ पे बैग के ऊपर लगा दिया गया है, तो दूसरा हम यहाँ भी लगा सकते हैं। आप अपना स्लीपिंग बैग या टेंट यहाँ पे लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये हम एक और मैट यहाँ आपको लगा के दिखाते हैं। तो ये देखिए बड़ा इजीली जो है एक और मैट यहाँ पे आ जाएगा बिना किसी दिक्कत के। तो ये देखिए इसके बाद हम ये आपको मैं उठा के दिखाता हूँ इस तरह से। देखिए ये यहाँ पे आ गया है। उसके बाद आप स्ट्रैप्स को टाइट भी कर सकते हैं इस तरह से, ज़्यादा टाइट करने की कोशिश ना कीजिए, उसकी नीड भी नहीं रहेगी। तो दो मैट अब इस पर लग चुके हैं, ये बिल्कुल पूरा पहाड़ बन गया है ये बैग। ये देखिए साइज देख रहे हो, बहुत बड़ा साइज है। क्वालिटी की अगर हम बात करें इस बैग की तो मैं कहूँगा 3,000 रुपये में ठीक ठाक क्वालिटी मिल जाती है आपको। इस प्राइस में आपको इससे अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी, फिर आपको उससे अबव जाना पड़ेगा 8,000-10,000 तक। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ ये कुछ इस तरह से, दोनों मैट यहाँ ऊपर नीचे लग गए हैं देख लो। इस बैग में आपको कई कंपार्टमेंट मिल जाते हैं और पॉकेट्स भी काफ़ी मिल जाती हैं, साइड्स पॉकेट्स हैं, फ्रंट में भी है। इसकी जो हिप बेल्ट दी गई है ये भी काफ़ी कंफर्टेबल है, पैडिड है ये। और इसमें आपको एक साइड पर ये फ़ोन वगैरह या सनग्लासेस रखने के लिए आपको पाउच भी मिल जाता है जो कि काफ़ी हैंडी रहता है। यहाँ बैग के ऊपर की तरफ भी आपको एक पॉकेट मिल जाती है। ये बैग जो है आपके साथ बैंड होता है और ट्विस्ट भी होता है जिससे आपको एक बेटर बैलेंस मिल जाता है। पैकिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जो हैवी सामान है वो आपको बॉडी के क्लोज रखना है और बैग के सेंटर में रखना है, और आपका बैग जो है वो आपके शोल्डर के लेवल के साथ एडजस्ट होना चाहिए। तो जो ये दो स्ट्रैप्स दी गई हैं शोल्डर्स पे आप इनको खींच सकते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि बैग आपके हिप्स के नीचे तक ना जाए, इसे आप अपनी वेस्ट के 5-10 सेंटीमीटर नीचे तक रख सकते हैं। कई बार हैवी बैग की वजह से हम आगे की तरफ लीन करते हैं। अगर आप वेल एडजस्टेड और प्रॉपरली इस बैग को पहनते हैं तो आप बिल्कुल सीधे पोस्चर में ही रहेंगे। ये बैग बार बार
आगे पीछे इस तरह से नहीं जाएगा, जिससे क्या है कि आपकी बैक, नेक और शोल्डर्स जो हैं सेफ रहेंगे, उनमें किसी तरह का स्ट्रेन नहीं आएगा। डोंट फोर्स योरसेल्फ टू गेट दिस काइंड ऑफ लार्ज बैकपैक। आपको अपने बॉडी साइज और रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए ही बैग लेना है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस 60-70 liter बैग इज इनफ। और हाँ, फीमेल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बैकपैक्स, उनका डिजाइन भी अलग होता है, तो आपको उसी हिसाब से बैग परचेज करना है। तो दोस्तों, आपको ये बैग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।